हेलो गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड ग्रुप डी भर्ती 2019 में। यहाँ पर हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करेंगे, जो कि आज के हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं यहाँ पर पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट और पौड़ी गढ़वाल। तो पौड़ी गढ़वाल और पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में कितनी यहाँ पर गेट कट ऑफ जाने वाली है, कितने नंबर में आप लोग यहाँ पर सेव हैं, ठीक है ना, कितने मार्क्स में आपको यहाँ पर आ सकते हैं, उसके हम डिस्कस करने वाले हैं। और इससे पहले हमने एक्सपेक्टेड कट ऑफ की जो सीरीज बनाई थी, यहाँ पर देहरादून का हमने कट ऑफ जारी कर रखा था, और हरिद्वार का कर रखा था, और यहाँ पे चमोली का कर रखा था, चंपावत का कर दिया था, और बागेश्वर है, और अल्मोड़ा है, ठीक है ना, और नैनीताल डिस्ट्रिक्ट, इन सभी का हमने जारी कर दिया है। और जिन्होंने देखा नहीं, वो जाकर देख सकते हैं हमारे वीडियो में, वहाँ पर आपको मिल जाएगा, और उस पर एनालिसिस करके आप लोग चेक कर सकते हैं कि आपके जो कट ऑफ है वो कितने मार्क्स आ रहे हैं, और कितने मार्क्स में आप लोग यहाँ पर सेफ हैं। और उससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कि सभी लोगों ने कमेंट करने के लिए बोल रखा था मैंने, उसमें तो काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था, कम से कम 7-8 हज़ार लोगों ने उसको वॉच किया था, और कम से कम उसमें 700 से 800 लोगों ने यहाँ पर कमेंट किए थे। तो अपने अपने यहाँ पर मार्क्स बताए थे, उसी के अनुरूप यहाँ पर हम बताने वाले हैं कि आपकी जो यहाँ पर कट ऑफ जाने वाली कितनी यहाँ पर जा सकती है। तो काफ़ी टाइम लग रहा है उनको पढ़ने में, इस वजह से यहाँ तो वीडियोज़ थोड़ी सी लेट आ रही हैं, और व्हाट्सएप ग्रुप में भी काफ़ी लोग जुड़े थे, वहाँ पर भी काफ़ी लोगों ने यहाँ पे कमेंट किए थे, तो उसी के अनुसार यहाँ पे कट ऑफ बताने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, कितनी यहाँ पे कट ऑफ जा सकती है। तो दोनों डिस्ट्रिक्ट की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के बारे में। तो बात करते हैं यहाँ पे पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट की। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आप लोग देख सकते हैं, 22 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी, जो कि यहाँ पे ऑफिशियली जो यहाँ पे नोटिस जारी किया गया था उसमें से लेके यहाँ पे जो यहाँ पर कैटेगरी वाइज हमें पोस्ट हैं वो आपने यहाँ पर डिवाइड कर रखे हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एससी की। एससी की 4 पोस्ट है यहाँ पे। तो यहाँ पर देखिए 77 यहाँ पे जा सकती है, यहाँ पे जो नंबर्स हमें मिले थे उसके अनुसार यहाँ पे 77 जा सकती है। 5 नंबर प्लस माइनस कर सकते हैं, हो सकता है काफ़ी लोगों ने यहाँ पे कमेंट नहीं किया होगा, ठीक है ना, क्योंकि काफ़ी लोगों ने वो वीडियोज़ नहीं देखी होगी, इस वजह से यहाँ पे प्लस माइनस यहाँ पे कर सकते हैं 5 नंबर का। और ज़्यादातर जो है प्लस जो है मार्क्स जो है बढ़ सकते हैं। वैसे काफ़ी पेपर इजी टाइप का था यहाँ पे पिथौरागढ़ का, तो आप लोगों ने देखा होगा, थोड़ा सी मैथ्स थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रही थी, बाकी थोड़ा सा इजी था। यहाँ पे जीएस भी सही था, इंग्लिश भी नॉर्मल क्वेश्चन आए थे उसके, और काफ़ी क्वेश्चन जो है आयोग ने रॉन्ग भी कर रखे हैं, काफ़ी आंसर की में। तो पिथौरागढ़ का तो मुझे मिला नहीं, क्या पता हो सकता है यहाँ पे आंसर की जो है रॉन्ग हो, ठीक है ना। और नैनीताल डिस्ट्रिक्ट का मैंने बताया था कहाँ कहाँ पर कितनी गलतियाँ की थी यहाँ पे आंसर की जारी करने में। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कि एससी वुमेन की बात करें तो यहाँ पे 75 यहाँ पे जा सकती है। और बात करें एसटी की, एसटी में कोई भी पोस्ट जो है खाली नहीं है, और ओबीसी की बात करें कि ओपन में जो है कोई भी पोस्ट नहीं है, और वुमेन की बात करें 2 पोस्ट यहाँ पर हैं, तो ओबीसी वुमेन की यहाँ पर 82 यहाँ पर जा सकती है। और ईडब्ल्यूएस की बात करें ओपन की, तो यहाँ पर ओपन में 1 पोस्ट है, 68 यहाँ पर जा सकती है। और वुमेन की बात करें यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की, तो 1 पोस्ट है यहाँ पे, तो 65 यहाँ पर जाएगी। और जनरल की बात करें, देखिए जनरल में 5 पोस्ट रखी गई हैं यहाँ पर ओपन वाले के लिए, तो ओपन में देखिए 68 यहाँ पर इसकी जाएगी। और ऐसा नहीं कि 68 वाली कंफर्म है, तो अपने आप को सेफ समझने के लिए मैंने बता रखा है कि 5 नंबर प्लस माइनस कर सकते हैं, इतने अगर -5 की भी कर लो तो इतने मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं तो यही नहीं कि आपके बिल्कुल सेफ हैं, क्योंकि आप लोग उसमें खुद कमेंट देख सकते हैं ना कितने लोगों ने कमेंट किए हैं, ठीक है। 90+ वाले भी काफ़ी लोग हैं, ठीक है ना, 90 वालों का उनका तो श्योर है, जिनके 90+ हैं, इससे ऊपर वाले का बिल्कुल यहाँ पर कन्फर्म हो जाएगा कि आपका सिलेक्शन हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा बनती है इस, जो मार्क्स बता रहा हूँ उससे अगर ज़्यादा आपके नंबर हैं तो आपकी पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बनती है, ठीक है ना। तो जनरल ओपी की बात करें यहाँ पे, ठीक है, ओपन से 86 यहाँ पे जाएगी। और यहाँ पे देखिए वुमेन की बात करें, 6 पोस्ट है यहाँ पे, 83 यहाँ पे 83+ ही होगी यहाँ पे इसकी भी। और एक्स की बात करें यहाँ पे, ठीक है ना, एक्स वाले देखिए यहाँ पे 1 पोस्ट है, 67 यहाँ पे इसकी जाएगी। और 63 जो है यहाँ पे पीएच की जाएगी, पीएच में भी 1 पोस्ट यहाँ पे है। चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट के बारे में। तो अगला डिस्ट्रिक्ट है हमारे पास पौड़ी गढ़वाल। तो पौड़ी गढ़वाल की हम बात करें नंबर ऑफ वैकेंसी की टोटल, तो टोटल जो है यहाँ पे 25 वैकेंसीज हैं। और यहाँ पे एससी की देखिए कोई भी वैकेंसी यहाँ पे खाली नहीं है एससी की। अब बात करते हैं सीधे एसटी की। एसटी में देखिए यहाँ पे ओपन में 1 पोस्ट है यहाँ पे, 78 यहाँ पर जाएगी इसकी। और वुमेन की बात करें तो 76 यहाँ पर जाएगी इसकी। अब बात कर लेते हैं ओबीसी की। ओबीसी में 4 पोस्ट हैं, 82 यहाँ पर जाएगी यहाँ पर पौड़ी गढ़वाल की। और 2 पोस्ट जो है यहाँ पे वुमेन की, 80+ ही जाएगी यहाँ पर, ठीक है ना। और बात करें यहाँ पे
जो EWS है, ठीक है ना, चार पोस्ट हैं यहाँ पे पौड़ी गढ़वाल में, तो इसकी जो जाएगी यहाँ पे कट ऑफ, ठीक है ना, तो 68 यहाँ पे जाएगी EWS। और यहाँ पे बात करें, दो पोस्ट हैं यहाँ पे वुमेन के लिए, तो वुमेन की 65 यहाँ पे जाएगी। और जनरल की बात करें, सात पोस्ट हैं, तो सात पोस्ट देखिए ओपन की सात पोस्ट हैं, तो 85 यहाँ पे जाएगी। और वुमेन की बात करें, तो तीन पोस्ट हैं, तो वुमेन में देखिए यहाँ पे 81 ही आपकी जाएगी, 81 प्लस ही जाएगी, ठीक है ना। तो अब एक्स की बात करें, एक्स में एक वैकेंसी है, तो 76 आपकी जा सकती है। तो ये रहे हमारे एक्सपेक्टेड कट ऑफ। और जिन्होंने अपने अपने डिस्ट्रिक्ट का नहीं देखा है तो वीडियो में जाकर जरूर देख लें, क्योंकि काफ़ी वीडियोस मैंने अपलोड कर चुका हूँ, दो ठीक है, तीन या चार डिस्ट्रिक्ट और बचेंगे, उसमें हम कल लेके आ जाएंगे वीडियोस। तो इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।